सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल खाओ पियो फूड व्लॉग्स को एंड बेल आइकन को दबाइए अपकमिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए। मज़ेदार फूड वीडियोस के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल खाओ पियो फूड व्लॉग्स पर। थैंक यू सो मच। दिस इज सुधीर फ्रॉम खाओ पियो फूड व्लॉग्स। आज हम आए हैं गुड़ मेकिंग दिखाने, आपको पूरी गुड़ मेकिंग दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख ही रहोगे तो गाइस भाई आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ से आगे जाते हैं अंकल जी, लेके जाए जा रहे हैं उस चरखी तक और फिर आगे उस चरखी का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। मेरा नाम अनीस। अनीस अंकल जी का नाम है। अनीस तो अंकल जी आप बताना क्या कर रहे हो? ये गन्ने लगा रहे भाई, गन्ने। अच्छा गन्ना इस टाइम इसमें जा रहा है, मतलब रस निकल रहा है फिलहाल। रस काट रहा है। तो गाइस ये देख लीजिए आप, तो गाइस भाई देखिए ये फिलहाल जो शुगर केन है ना, शुगर के मतलब गन्ने जो है ना, फिलहाल चरखी में जा रहे हैं और चरखी में से इनका रस निकल रहा है। और जिस टाइम भाई जहाँ पे हमारा मेरा कैमरामैन जहाँ पे खड़ा है ना, इस टाइम पे इसके नीचे से जा रहा है गन्ने का रस। मतलब यहाँ पे इन्होंने पाइपलाइन लगाई हुई है, उससे जा रहा है। वो आपको दिखाते हैं, ये देखो गाइस। और इस तरह ये देखो, ये इस तरह की कोई मशीन वगैरह अंकल जी कैसे चलती है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग प्रोसेस है भाई ये। और इधर आ रहा है रस, आइए आपको दिखाते हैं एक मिनट। भाई साहब यहाँ पे खड़े हो गए ना, एक नंबर स्मेल आ रही है। मैं आपको बस कैमरे में कैसे सुंघाऊं वो मुझे नहीं पता, पर एक नंबर आ रही है भाई, आप देख सकते हो पीछे मेरे। और जो रस मैंने बताया था वो देख लो, वो इस तरह से निकल रहा है भाई। जूम करके दिखा थोड़ा सा, तो चलते हैं आप अपने अगले स्टेप्स की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो भाई इसके बाद ना ये देख लीजिए आप, ये पाइप है, ये देख लो भाई। यहाँ पे मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये अंकल जी मिले। अंकल जी अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है भाई इरशाद। इरशाद है भाई इनका नाम। और तो बताओ ये फर्स्ट स्टेप है यो तो दूसरे नंबर का, इसमें जाकर पहले तो भाई पहले जो है ना गन्ने का रस पकते पकते आग जलाते हैं। सो गाइस भाई आप लोग ना यहाँ पे देख लीजिए, ये आग जल रही है, दिख रही होगी आपको। और ये इससे सफाई होती है इसकी, जो राख इकट्ठी हो जाती है ना आग जलने के बाद, तो फिर उसकी सफाई भी की जाती है। अभी दिखाते हैं आपको। नाम मेरा आशु। अच्छा जी सरिया मार रहा भाई इसमें। सरिया मार रहे जी इसमें तो ठंडी जो राख वाली कटोगी बाहर। अच्छा जी हाँ बहुत तेज आग जलेगी फिर। अच्छा जी हाँ ठीक है। इसके लिए कढ़ाया तो भाई ये कढ़ाया है और इसके बाद ये इधर जाता है छनने के लिए। ये कचरा निकलता है यहाँ से, यहाँ पे इसका कचरा निकाला हुआ है ये ऐसे करके, मतलब और जितना भी रस है वो भी सारा इससे निकाल लेते हैं ना। यो क्या हो रहा है जी? साफ हो रहा रस भाई। रस साफ हो रहा? हाँ जी। अच्छा जी ये साफ करने की धरी सुखलाई। और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा? हाँ ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी तो भाई अब अंकल जी से पूछेंगे। अंकल जी अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद असलम भाई इनका नाम है। मोहम्मद असलम तो अंकल जी आप कितने टाइम से कर रहे हो ये काम? यो 16 साल इधर देख के करो, बताओ ना थोड़ा। 16 साल से कर रहे हैं भाई ये काम। अच्छा जी भाई 16 ईयर हो चुके हैं इनको। और इधर आ जा भाई, इधर आ जा भाई, कभी गिर जा, इधर आके दिखा, इधर पीछे नहीं कहीं नहीं गिरने का है। हां ये देखो भाई साहब, ओ पीछे देख ले, चलो आ जा। और भाई इसके बाद थर्ड स्टेप है, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड है, ये सेकंड है जी। पहले ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर यहाँ से वापस उधर, फिर ये लास्ट स्टेप, इसमें फाइनली पकता है ये। देख लो भाई किस तरह से खद्दे दे दे के ये इसको यहाँ पे पकाया जा रहा है और फिर इससे इसको यहाँ पे लाया जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये भी हम आपको सारा दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ बना हुआ रखा हुआ है तो आप देख लीजिए, ये रहा, मस्त लग रहा है एकदम देखने में।
तो गाइस भाई आप लोग देख ही सकते हो कि जो हमारा गुड़ है वो इधर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा अंकल जी? 10 मिनट। तो भाई इसको 10 मिनट लगेंगे सेट होने में, और 10 मिनट के बाद इसके ऐसे इनको क्या बोलते हैं, बेल्ली पेड़े लड्डू बनाने भाई इसके से। आप ये इधर सेट होने लगा, रंग आता है, रंग आता है, वरना काला बनेगा इसके बिना। अच्छा जी, खाने में भी स्वाद लगता है। आ जा रही नहीं जरा का, और इनका नाम भी पूछ। ओ अंकल सुनेंगे। सो गाइस भाई आप लोग देख ही सकते हो कि इसको काफी मुझे लगता है हो चुके हैं इसको, पर अभी भी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा और सेट होने में। ये है चासने चाक पपड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी। अब इससे क्या कर रहे हो तुम? इकट्ठा होना है। और इसका नाम क्या है जिस जो आप यूज कर रहे हो? चटवा। भाई जो ये इनके हाथ में है वो टूल, इसका नाम है चटवा। चटवा, और ये इस चटवे की हेल्प से मतलब इसको तो मतलब इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। ठंडे करने के बाद ही तो इसके ये जो मैंने दिखाया था अभी लड्डू ये बनेंगे, और फिर जाके ये मतलब आगे दिखा देंगे पैकिंग होता है। देखो दूसरी तरफ मैं दिखा देता हूँ, पैकिंग भी होता है। और अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो बल्क में जितना मर्जी, तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, और यहाँ की लोकेशन का भी लिंक डाल दूंगा मैं, आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको थोड़ी सी जाए। दिखाना ये? हाँ चल, उसके अब पन्ना गिरा। तो भाई अंकल जी थक चुके थे, तो हमने सोचा अंकल जी की थोड़ी सी हेल्प ही कर दी जाए। लो अंकल जी गुड़ ना। सो गाइस ये देख लीजिए आप, गुड़ जो है ना वो बनना स्टार्ट हो चुका है, आपको दिख ही रही होगी थोड़ी थोड़ी सी लेयर। पत्ती बुला रहे लंबे, एक मिनट इधर आ जा। पत्ती बुला रहे, पत्ती इधर से फोटो तेरी। बस अब तो शुरू होगा। यार हट तो जा, छोड़ दे। ये ऊपर ठाना तब तो नहीं बना, किसके हो गए? हाँ, ये जाके बनने चाहिए। तो भाई एक टाइम में 70 किलो गुड़ तैयार हो जाता है, मतलब एक प्रोसीजर में। और ऐसे कितने दिन में को कितने प्रोसीजर करते हो आप? कितनी बार इतने आवे 20 क्विंटल तैयार हो जाते हैं एक दिन में? 20 क्विंटल। सो भाई 24 आवर में ये 20 क्विंटल गुड़ तैयार कर देते हैं। ले ली। भाई फिलहाल आप देख ही रहे हो कि जो गुड़ है ना उसको डिवाइड कर लिया है इन्होंने, दो पर्सन्स हैं ये, इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर लिया। और इन्होंने हाथ में ना अपने थोड़ा सा घी लगाया, और घी लगाने के बाद ना ये इसके लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब भेलियाँ भी बोल ली जाती है इनको, और ये लड्डू भी बोल सकते हो आप। नाम बताइए आप? उस्मान। तो गाइस भाई हमने इनसे पूछ लिया, तो टेस्ट करके अपने आपको भाई फिलहाल जो है ना ये फुल गर्म है, मतलब जिसको फुल गर्म कहते हैं ना, और हाथ पे इसलिए लिया है क्योंकि कोई कुछ और है नहीं सिस्टम यहाँ पे। तो करके दिखाते हैं टेस्ट, ये देखो भाई, भाई साहब एक नंबर है, और भाई हाथ भी जल रहे हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, धुएं एक नंबर की चीज़ लग रही है भाई। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दिया है, और ज़रूर आप परचेज करना भाई एकदम। बहुत सभी बंदे ना बहुत अच्छे लगे बातचीत करने में, क्या सब चीज़ में। और अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ भाई शेयर करना उन बंदों के साथ जो खाने के बाद गुड़ को खाना पसंद करते हैं। और ये लो आप भी टेस्ट कर लो।